मुरादाबाद में तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होना है। प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी ने प्रचार की समय सीमा खत्म होने से ठीक एक घंटे पहले रोड शो के जरिए अपनी ताकत का एहसास कराया। हजारों की भीड़ के साथ इमरान सड़कों से गुजर रहे थे। जैसे ही समय सीमा खत्म हुई तो साथ में चल रहे पुलिस अधिकारी रोड शो को रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन रोड शो जारी रहा। ये देख वहां मौजूद मीडिया कर्मी इस नजारे को अपने कैमरे में कैद करने लगे। अचानक अफरा तफरी और धक्का मुक्की होने लगी, यहां तक कि कवरेज कर रहे मीडिया कर्मियों से अभद्रता तक की गई। ये जुलूस चल रहा था, इनका टाइम और आगे जाने का इनका प्लान था, लेकिन टाइम की अवधि समाप्त हो गई, उससे पहले ये लोग समाप्त कर लिए और समाप्त कर दिया गया। सर, देखा ये जा रहा था कि 5 बजे के बाद में भी जो है नारेबाजी यहाँ पर करी जा रही थी लगातार, पुलिस रोकती रह गई, लेकिन समर्थकों ने मीडिया कर्मियों को पुलिस कर्मियों को भी खदेड़ दिया। नहीं, ऐसा नहीं था। 5 बजे के बाद जो है जुलूस इन्होंने अपने बैनर उतार लिए, झंडे उतार लिए और अपना भीड़ जो है समय वो निकल रही थी। भीड़ जो अन्य लोग साथ में थे वो अपना दाहिने बाएं जा रहे हैं और ऐसी बात नहीं, तुरंत उन्होंने जैसे ही उनको बताया गया 5 बज गया, सब लोग उन्होंने उतार लिए अपना झंडा और बैनर और सब गाड़ियों से लगे, उनको भी समेट लिया, समेट के जाने लगे वो जाने में ही। मीडिया कर्मियों के साथ में जब आपको बताया जा रहा था, आपके द्वारा जो है संज्ञान में लेकर रुकवाने का प्रयास किया जा रहा था, तो मीडिया कर्मियों को साथ में भी यहाँ पे बस वालों की मारा पीटी हुई, इस तरह से आप देखते हैं इसको या क्या इसमें कार्रवाई की जा सकती है? नहीं, मीडिया कर्मी यदि कोई बात होगी तो बताएंगे, तो उन पर कार्रवाई होगी। फिर मीडिया कर्मियों साथ की साथ अभद्रता की है। क्या स्थिति है? अब तो बिल्कुल शांत हो गए, जो भीड़ है वो अब जा रही है दाने में, अपने रास्तों को डिवाइड करके अलग अलग रास्तों से जा रही है। सर, एक आखिरी सवाल है, अभी आपने कहा कि पहले जो नारेबाजी हो रही थी, फिर आपने रुकवा दिया 5 बजे? नहीं, 5 बजे क्या उस पर कोई कार्रवाई अभी बन पाएगी? नहीं, 5 बजे पहले ही जब उन्होंने बात मान लिया और उन्होंने अपना झंडे बैनर समेट लिए और अपना तुरंत अपना रास्ता बदल दिए,